Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Natural vegetation of India. So you have learned about climate, different type of climate, factor of climates, factor affecting to climate, and different season of India. So according to the climate, now we will find different type of vegetation in India in different region. Okay, so now we'll start our reading. The grasses, the shrubs and the trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation. तो ऐसे घास, ऐसे shrubs यानी झाड़ियाँ और ऐसे पेड़ जो अपने आप उग जाते हैं किसी के भी help के बिना, उसमें human beings भी उसको उगाते नहीं है, किसी का उसमें interference भी नहीं होता है, कोई उसमें बीच में नहीं आता है, और कोई अपने आप ही कुदरती naturally उग जाते हैं, उसको हम कहते हैं natural vegetation. The natural vegetation of any area depends primarily on variation of rainfall and relief. तो कोई भी जगह की एनी एरिया, मतलब कोई भी एरिया की, कोई भी जगह की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, मुख्य रूप से मेनली, प्राइमरली मतलब मेनली मुख्य रूप से रेनफॉल और रिलीफ यानी कि वर्षा के ऊपर आधारित होती है. जितनी वर्षा होगी उसके हिसाब से वहाँ पे वेजिटेशन उगती है. नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स. और इंडिया की अगर वेजिटेशन देखें तो बहुत ही अलग है, क्योंकि कहीं पे जो है हिल है, कहीं पे कोस्टल है, तो कहीं पे डेजर्ट है. मतलब यहाँ पे कम ज़्यादा मात्रा में बारिश गिरती है और उसके हिसाब से ही यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलती है. रेनफॉल इसका मुख्य कारण है. ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ रेनफॉल एंड टेरेन यानी टेरिटरी, प्रदेश. तो अलग अलग रेनफॉल और अलग अलग प्रदेश है, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो है रेनफॉल की मात्रा में ही वेजिटेशन देखने को मिलती है. अनफॉर्चुनेटली द फॉरेस्ट आर नाउ डिसअपीयरिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कल्टीवेशन. और धीरे धीरे जो है ये डिसअपीयर होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि कल्टीवेशन यानी कि खेती की जो है मांग बढ़ गई है, डिमांड, एग्रीकल्चर ज़्यादा होने लगा है, उसकी डिमांड हो गई है. और तो और इन द हिली एरिया द फॉरेस्ट कवर हैज़ डिक्रीज टू ओनली अबाउट 19%. और तो और हिल जहाँ पे होते थे वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते थे वो भी कम हो गए हैं, और वो अब खाली 19% रह गए हैं. तो इस हिसाब से हमने देखा कि कोई भी एरिया की वेजिटेशन होती है, नेचुरल वेजिटेशन होती है जो अपने आप उगती है, वो रेनफॉल पर आधारित होती है. जहाँ पर जितना रेन होता है उसके हिसाब से वो होती है कम. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, बेस्ड ऑन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड लैंडफॉर्म अवेलेबल देयर आर 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. तो हम इस फॉरेस्ट को 5 रूप से, मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर 2 ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, नंबर 3 थ्रोनी फॉरेस्ट, नंबर 4 टाइडल फॉरेस्ट, नंबर 5 माउंटेन वेजिटेशन. तो इस तरह से हमें 5 तरह के जंगल इंडिया में देखने को मिलते हैं. हम उनको एक एक करके देखेंगे. नंबर 1 ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो एवरग्रीन वर्ड से ही हमें पता चलता है कि ये बहुत ही घने होते हैं और सदा बहार होते हैं. हमेशा ये पेड़
जो है हरे भरे रहते हैं, ये जंगल हरे भरे रहते हैं। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 to 300 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कौन सी एरिया में होते हैं, जहाँ पे एनुअल यानी कि पूरे वर्ष के दरमियान, पूरे वर्ष में 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश गिरती है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष के दरमियान। ओके, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा ही था कि वेस्टर्न घाट वेस्ट की तरफ है, ईस्टर्न घाट ईस्ट की तरफ है। ओके, कोस्टल एरिया के बाद ये घाट आपने देखे थे लास्ट चैप्टर में। तो वेस्टर्न घाट है, उसके स्लोप पे ढलान पर ये जंगल देखने को मिलते हैं। द हिल ऑफ द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड, और इसी तरह से नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तरफ जो जंगल है, जो स्टेट्स हैं, मणिपुर, त्रिपुरा और इस तरह से असम, इस तरह के जो 5-6 छोटे छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पे ये जंगल पाए जाते हैं, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं। दे आर डेंस फॉरेस्ट वेयर ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, और इस तरह से यहाँ पे ट्रीज है वो एकदम अपने पत्ते पतझड़ भी नहीं आता है, वो हरे भरे ही रहते हैं। कुछ कुछ थोड़े गिरते हैं मगर एकदम पेड़ है, पतझड़ नहीं हो जाता है और हरे भरे ये ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर रहते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्री आर रोजवुड, एबोनी एंड महोगनी। तो इस तरह से यहाँ पे जो मुख्य रूप से मेन इसके ट्रीज हैं उनके नाम हैं एबोनी, महोगनी एंड रोज। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब डिसीडियस का मतलब ही है पतझड़। तो जहाँ के जंगल, जहाँ के पेड़ जो है साल में एक बार अपने पत्ते झड़ जाते हैं, उस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, इस तरह के जो जंगल होते हैं उनको हम डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं। द ट्री शेडिंग इट्स लीव्स एनुअली, जो साल में एक बार उनके पत्ते शेड हो जाते हैं। ओके, मोस्टली टिपिकल फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, और ये कौन से रीजन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के आसपास की जो एरिया होती है वो ट्रॉरिड जोन है, उसको ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं। तो मोस्ट टिपिकल फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन आर कॉल्ड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ओके, दैट इज व्हाई दिस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। और इस तरह से जब बारिश आती है तो ये हरे भरे हो जाते हैं और बाद में ठंड में ये जो है पत्ते झड़ भी जाते हैं, इसलिए इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी नाम दिया है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन विथ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर। और ये जंगल कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे एनुअली यानी कि वर्ष के दरमियान, पूरे वर्ष के दरमियान 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश गिरती है। वी कैन फाइंड सच फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। तो हम देख सकते हैं ये सारे स्टेट हैं वो इंडिया के सेंटर में कह सकते हैं, मध्य प्रदेश है, बिहार, झारखंड, वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ भी हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस तरह से जहाँ पे ये प्रदेश हैं, ये स्टेट है, वहाँ पे इस तरह के पतझड़ वाले जंगल देखने को मिलते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक ड्यूरिंग समर, और सर्दी के बाद जब गर्मी की सीज़न शुरू होती है तो उनके पत्ते भी
चर जाते हैं 6 to 8 weeks तक, 1-2 महीना हो जाता है लगभग 6 to 8 weeks यानी 1.5 से 2 महीने के दरमियान जो है उनके शेड हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं और फिर वापस नए पत्ते आते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव द ड्राई सीजन इम्पॉर्टेंट ट्रीज आर साल, टेक एंड पीपल। और इनके मुख्य रूप से जो ट्रीज हैं वो साल, टिक और पीपल पाए जाते हैं। तो ठंड के कारण ये पत्ते जल जाते हैं, ड्राई सीजन होती है उसके कारण ये जल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज थ्रोन फॉरेस्ट। थ्रोन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव्ड अंडर 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जहाँ पे 50 सेंटीमीटर के करीब रेनफॉल होती है वर्ष के दरमियान, वहाँ पे ये जंगल पाए जाते हैं। थ्रोन से ही हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कांटीले पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं होते हैं, ये पेड़ भी बहुत बड़े नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है। फॉरेस्ट ऑफ दिस टाइप आर स्कैटर्ड अराउंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पश्चिमी इलाका, यानी कि वेस्ट यानी कि हमारा गुजरात से ऊपर जहाँ पे पंजाब का कुछ हिस्सा, राजस्थान और गुजरात का भी कुछ हिस्सा जो ड्राई है वहाँ पर होता है, पंजाब में भी थोड़ा होता है, राजस्थान में भी होता है। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया विच इंक्लूड द स्टेट ऑफ राजस्थान, ड्रायर पार्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का कुछ सूखा हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा। दे कंसिस्ट ऑफ स्टटेड ट्रीज एंड बुशेस। तो इसका मतलब क्या, स्टटेड मतलब जो बहुत ही बड़े नहीं होते हैं, अनडेवलप्ड ट्री कह सकते हैं, अविकसित पेड़, छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। और यहाँ पे झाड़ियाँ भी होती है, विच आर बुशेस यानी झाड़ियाँ, विच आर वाइडली स्कैटर्ड और वो काफ़ी फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, पास पास ये पेड़ नहीं होते हैं। द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट विच हेल्प्स देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड। और इन पेड़ों की जो जड़ होती है वो बहुत ही डीप होती है, गहराई में होती है, जहाँ से वो पानी लेते हैं और अपने आप को वो पेड़ है जिंदा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है तो उनकी जड़ों से ही, ज़मीन में से वो पानी लेते हैं। ओके, दे हैव शार्प स्पिन टू रिड्यूस सरफेस एरिया। और वहाँ पे उनके पत्तों पर कांटे होते हैं और जिससे वो हैं अपने आप को बचाए रखते हैं, उसमें कांटे वाले होते हैं, पत्तियाँ छोटी होती है, नुकीली होती है, जिससे उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह के ये पेड़ होते हैं। विच हेल्प्स देम टू कंजर्व वाटर, कम उनका वाटर यूज़ होता है और वो पानी बनाए रखता है वो पेड़, इस पाने वो हरा भरा भी रहता है। कॉमन ट्रीज आर बबूल, कीकर, वाइट वाइल्ड पाम्स एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एकेसिया। यानी बबूल के पेड़ मेन होते हैं, वाइल्ड पाम जंगली पाम ट्री होते हैं, कीकार नाम का एक पेड़ होता है, और इस तरह से मोस्टली यहाँ पे छोटे पत्ते वाले झाड़ियाँ और कांटेदार पेड़ पाए जाते हैं।